हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनाज इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस बहुत ही खूबसूरत पर्पल हार्ट प्लांट की फुल केयर के बारे में कि हमें इसे कैसी सनलाइट देनी है, कैसी वाटरिंग करनी है, कैसा फर्टिलाइजर इसे चाहिए और किस तरह से हम बहुत ही ईजिली इसे कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सनलाइट की। ये एक ऐसा प्लांट है जो आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही कंडीशन में रख सकते हैं और इसके कलर में चेंजेस हो जाते हैं सनलाइट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे टोटली शेडेड एरिया में रखते हैं, इनडोर रखते हैं, तो इसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी इन कंपैरिजन की अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं। तो शेडेड एरिया में भी इसकी ग्रोथ होगी और इसकी जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। समर्स भर इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और अगर आप इसे शेडेड एरिया में रखेंगे तो इसकी लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश होने लगेंगी। उसी जगह अगर आप इसे 4 to 5 hours की धूप देते हैं तो आपके एक प्लांट का कलर कुछ इस तरह से डार्क पर्पल हो जाएगा। मैंने इसे अपने बालकनी में रखा हुआ है। मेरी बालकनी में काफ़ी देर मॉर्निंग से ही बहुत अच्छी सनलाइट आना शुरू हो जाती है लेकिन अब क्योंकि अप्रैल आ गया है, बहुत हार्श हो गई है सनलाइट दोपहर की। तो बस आपको एक काम करना है कि जब दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 40 to 45 degrees हो जाता है, तब इसकी लीव्स के बर्न होने का डर रहता है। मेरे भी इस प्लांट के आप देख सकते हैं कुछ एक लीव्स जो है वो बर्न हो गई हैं। कब? क्योंकि अभी एक दो दिन से काफ़ी तेज सनलाइट दोपहर में होने लगी है। तो आप मॉर्निंग की इसे अच्छी सनलाइट 4 से 5 hours की मिलने दीजिए। उसके बाद जब दोपहर में 1 o'clock से, यानी कि दोपहर में 1 to 4 o'clock के बीच की बहुत तेज सनलाइट होती है, उस समय आप इसे उठा करके इस तरह से मैं यहाँ पर रख देती हूँ मेरी बालकनी में। यहाँ पर मैं स्टैंड पर इसे रख देती हूँ जिससे इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है और मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं कलर भी इसमें बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये हो गई इसकी सनलाइट की बात। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। वाटरिंग आप तभी करें जब इसकी सॉइल अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अगर इस प्लांट को आप देखेंगे तोड़ करके तो इसमें अंदर से जेल सा निकलता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये वाटर कंज्यूम करके रखता है तो इसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। बस जब इसकी सॉइल अच्छे से ऊपर से ड्राई हो जाए आप तभी इसमें वाटरिंग करिए। अब बात करते हैं कटिंग से इसके प्रोपोगेशन की। बहुत ही इजी है इसका कटिंग से प्रोपोगेशन। आपको ऊपर से टिप की 4 to 5 inches की कटिंग लेनी है और इसे सिंपली आप सॉइल में होल कर करके लगा दीजिए। आप देखिए कितनी सारी कटिंग्स मैंने ये लगाई है, सभी मैंने ऊपर की टिप से कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और कट करके सीधे इसी में लगा देती हूँ। नीचे के 1-2 leaves आप रिमूव कर दीजिए और इसे लगा दीजिए। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। मेरा ये प्लांट कई बार मेरे बच्चों ने गिरा भी दिया है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी फिर से मैंने इसे लगा करके ऐसे ही रख दिया और इसने बहुत ही इजीली ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस प्लांट को कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर की इस प्लांट को कोई खास जरूरत नहीं होती है। अगर आप बिगनर हैं, गार्डनिंग में बिगनर हैं, तो आप इस प्लांट को मैं सजेस्ट करूंगी जरूर लगाइए, क्योंकि आप एक बार इसे लगा देंगे तो फिर इसकी कटिंग ले लेके बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। इसकी कोई खास केयर करनी नहीं पड़ती है, सिर्फ इसकी सनलाइट और वाटरिंग का आप ध्यान रखिए, ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसकी सॉइल मिक्सचर के लिए मैं अगर बात करूं, बनाते समय ही आप इसमें 40% सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर की खाद मिला दीजिए और 20% आप, क्योंकि हैंगिंग अगर लगाएंगे तो फिर आप कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखिए, और अगर गमले में लगाना है तो इसमें रिवर सैंड मिला दीजिए। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइजर अगर आप इसे देना चाहते हैं तो 3 months में सिर्फ एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे दे सकते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को आप पूरे 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए, फिर उसमें उतना ही और वाटर मिला करके इसमें डाल दीजिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइजर की ज़रूरत जल्दी जल्दी नहीं पड़ती है, तो अगर आप 3 महीने में एक बार भी देंगे तो वो भी इसके लिए बहुत काफ़ी रहता है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, अब मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।